घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है 2000 रुपए के नोट के बारे में। जी हाँ, 2000 का नोट जारी करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कब जारी हो सकता है और इसके लिए क्या बातें हैं, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। आम लोगों के हाथ में बहुत जल्द ही 2000 रुपए का नोट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात के संकेत दिए हैं। 2000 रुपए का नोट जारी करने के तैयारी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को बड़े नोट पर रोक लगानी चाहिए। इसे काले धन पर रोक लगाने में मदद होगी। सूत्रों के मुताबिक 2000 रुपए के नोट की छपाई मैसूर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में शुरू हो चुकी है। हालांकि न तो सरकार ने और न ही केंद्रीय बैंक ने इसकी कोई पुष्टि की है। भारत में करेंसी नोट और सिक्कों की छपाई व ढलाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SMPCIL की 8 इकाइयों में की जाती है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक कंपनी है। SMPCIL की मध्य प्रदेश के देवास और महाराष्ट्र की नासिक यूनिटी में देश की कुल करेंसी नोट का 40% हिस्सा छापता है। SMPCIL की मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा यूनिट में सिक्के की ढलाई की जाती है। 1938 में RBI 10,000 रुपए का नोट छापती थी, जो बाद में 1946 में बंद कर दिया गया था। RBI ने दोबारा 1954 में 10,000 का नोट छापना शुरू किया और इसे 1978 में दोबारा बंद कर दिया गया। नोट छापने के उपयोग होने वाला कागज का कपास और कपास के रेशे से बना होता है। RBI की सलाह पर सरकार ढलाई के लिए सिक्के की मात्रा तय करती है। RBI इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, रिप्लेसमेंट डिमांड और रिजर्व बैंक स्टॉक रिक्वायरमेंट के आधार पर बैंक नोट की मांग निर्धारित करता है। करेंसी नोट नासिक, देवास, मैसूर और साल बोनी यूनिट में छापे जाते हैं। सिक्के की ढलाई मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद यूनिट में की जाती है। RBI अपना करेंसी ऑपरेशन 19 इश्यू ऑफिस के जरिए चलाता है। यह ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम आदि में है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा कि 2000 का नोट भी अब मार्केट में आने वाला है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा पैसा लेकर चलने की ज़रूरत होती थी, तो 500 या 1000 की नोट रखने में काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो अब 2000 का नोट होगा तो कुछ आपकी जो सुविधाएं और बढ़ जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल सवाल या सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड चल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना या बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।